दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां पर गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कभी भी आसान नहीं रहा है, और इसकी वजह यह है कि भारत में शिक्षा को ज्ञान के नज़रिए से कम और व्यापार की नज़रिए से ज़्यादा देखा जाता है। और यही वजह है कि बहुत से बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी अपने लक्ष्य को सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। हालांकि दोस्तों इन सभी के विपरीत बहुत ही कम लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा का अस्तित्व जीवित रखे हुए हैं, और आज की वीडियो में भी मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपना जीवन गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। वैसे आपने शायद देखा होगा कि हमारे देश में एक एक्टर, क्रिकेटर या बिजनेसमैन को लोकप्रियता बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है एक टीचर की तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें कोई याद कर ले। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो की मदद से हम एक ऐसे टीचर के बारे में जानेंगे जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हैं। जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम आनंद कुमार है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। दोस्तों आनंद कुमार सुपर 30 के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिनमें वह 30 गरीब बच्चों को फ्री में IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इन 30 बच्चों का खाना पीना व रहना सब आनंद कुमार अपनी तरफ से करते हैं। सुपर 30 की सुपर अचीवमेंट के कारण आनंद कुमार पर एक मूवी भी बनाई जा रही है। इस मूवी का नाम सुपर 30 है और इस मूवी में ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल निभाते नज़र आ रहे हैं। 2002 से 2018 तक आनंद कुमार के पढ़ाई 480 बच्चों में से 422 IIT का एग्ज़ाम निकाल भी चुके हैं। यह आंकड़े सुपर 30 की कामयाबी को साफ साफ दर्शाते हैं। दोस्तों आनंद कुमार का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था और उनके पिता पोस्टल डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क काम करते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। क्योंकि इनके पिता एक छोटे से पद पर काम करते थे इसलिए आनंद कुमार की शुरुआती ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण आनंद कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के सरकारी स्कूल से की और वह अपने स्कूल टाइम में मैथ्स में बहुत अच्छे हुआ करते थे। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिहार नेशनल कॉलेज से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही आनंद अपने परिवार वालों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, इसलिए 1992 में उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर एक कोचिंग रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की। वैसे शुरुआत तो उन्होंने दो बच्चों से ही की थी लेकिन उनकी काबिलियत की वजह से 3 साल में बच्चों की संख्या 500 से भी ज़्यादा हो गई। आनंद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का भी मौका मिला लेकिन पैसे ना होने के कारण वह एडमिशन ना ले सके। पिता की मृत्यु के बाद आनंद को पिता की नौकरी ज्वाइन करने का मौका भी मिला पर उन्होंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। साल 2000 में आनंद के पास पढ़ने एक काफ़ी गरीब बच्चा आया जो IIT की तैयारी कर रहा था। हालांकि बच्चे के पास आनंद को फीस देने के लिए पैसे नहीं थे और इसी घटना ने आनंद को अपने बचपन की संघर्ष की याद दिला दी और तब उन्हें सुपर 30 का आइडिया आया। और यही नहीं दोस्तों, वह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, टोक्यो यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्व के कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दे चुके हैं। डिस्कवरी चैनल ने भी आनंद कुमार के ऊपर 1 घंटे का लंबा डॉक्यूमेंट्री एपिसोड बनाया और आप चाहे तो वह एपिसोड YouTube पे देख सकते हैं। भारत में अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो भारत को आनंद कुमार जैसे टीचर की ज़रूरत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।